आज मैं आपके लिए लाई हूँ मसाला पाव। इसके लिए एक पैकेट पाव, दो प्याज, दो शिमला मिर्च चौकोर टुकड़े में कटी हुई, एक गाजर चौकोर टुकड़े में कटी, थोड़ा पनीर, पाव भाजी मसाला, ये बटर क्यूब, नमक, एक गाजर कद्दूकस की हुई, आधी शिमला मिर्च कटी हुई, थोड़ा पनीर कद्दूकस किया हुआ, दो टमाटर चौकोर टुकड़े में कटे, हरी मिर्च दो, बारीक कटी हरी धनिया और मेयोनीज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मसाला पाव बनाना। सबसे पहले हम थोड़ा सा बटर इसमें डालेंगे। मैंने एक क्यूब छोटा सा बटर डाला है और इसमें हम ये आधी शिमला मिर्च मैंने लंबे टुकड़ों में काट के रखी है, इसको हम सॉटे कर लेंगे। इसी के साथ हम ये कद्दूकस की हुई गाजर को भी सॉटे कर लेंगे। बस हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम करीब 4 से 5 बटर क्यूब्स और डालेंगे। ये मैंने बड़े बटर के छोटे टुकड़े कर लिए ताकि मुझे डालने में आसानी हो। जब बटर मेल्ट हो जाएगा तो इसी के साथ हम प्याज ऐड कर लेंगे। मैंने दो प्याजे चौकोर टुकड़ों में काटी है और इसी के साथ हम गाजर डाल लेंगे, दो हरी मिर्च कटी हुई, इसको भी हम इसी में ऐड कर लेंगे। ये बहुत झटपट बन जाने वाली रेसिपी है तो एक बार आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। शिमला मिर्च भी हम ऐड कर लेंगे, टमाटर। ये सारी सब्जियां मैं आपको बता दूं कि मैंने सभी को क्यूब यानी चौकोर टुकड़ों में काटी है और इसको हम 2 मिनट ढककर पका लेंगे। 2 मिनट के बाद हम देखेंगे हमारी सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं। इसी के साथ हम 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे, 2 चम्मच पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और इसी के साथ अब हम पनीर भी ऐड कर लेंगे। आप जब इसे बनाएंगे और खाएंगे तो आप वाह कहना तो नहीं भूलेंगे, तो आप लोग इसको जरूर ट्राई करें। हमारा मसाला बनकर लगभग तैयार हो गया है। इसमें हम हरी धनिया भी ऐड कर लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मिक्स करने के बाद ये हमारा बनके तैयार हो गया। इसको साइड कर देंगे। अब हम गैस पर डोसा तवा या आप कोई भी तवा रखकर उस पे 3-4 बटर क्यूब्स डालिए। मैंने ये देखिए पाव लिए हैं, 2 पाव को मैंने जुड़ा रहने दिया है और 20 पे कट लगा लिया है। इस तरह से इस बटर के साथ हम इस पाव को गरम कर लेंगे, अच्छे से हर तरफ सेक लेंगे। सेकने के बाद देखिए हमारी पाव इस तरह से दिखने लगी है। हर तरफ से देखिए कुछ रेड कलर की, गोल्डन कलर की हो गई है। अब सबसे पहले हम लेयर इस कद्दूकस की हुई गाजर की रखेंगे जो कि मैंने पहले सॉटे कर लिए। कुछ टुकड़े शिमला मिर्च के। अब जो हमने मसाला तैयार किया है इस मसाले को भी हम इसके साथ रखेंगे। अब तीसरी और फाइनल लेयर हम पनीर जो कि हमने कद्दूकस किया है इसकी लगाएंगे। इस तरह से इसको पैक कर देंगे और देखिए इस तरह से हमारा मसाला पाव बनकर रेडी हो गया है। मैं इसके फाइनल टच के लिए मेयोनीज थोड़ी सी और इस पे गार्निश कर रही हूँ। इस तरह से किसी भी सॉस और चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। ये होममेड मैंने चटनी आपको जो मीठी खट्टी चटनी मैंने बनाना बताया था वो ये है जो मैं इसे फाइनली में लगा रही हूँ। तो आप इसको एक बार अपने घर पे जरूर ट्राई करें। अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें जो कि ये बिल्कुल फ्री है, और खाना बनाते समय हमेशा अपना ध्यान रखें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू।